भूमि मार्ट यार सब कुछ है देखने यहाँ पे तो ए टू जेड मिल रहा है यार आपको फरसान स्वीट्स सैंडविच का तो मतलब नामो 50 नाम की अच्छे ओ भाई इतनी कहानी मत सुनाओ चलो सीधा चलते हैं ना सीधा ऐसा बोलो ना फॉलो सॉरी नमस्कार दोस्तों जय जिंद्रे जय श्री कृष्ण सलाम वालेकुम सबको आज आपको कुछ नया लोकेशन दिख रहा है नई जगह पे है हम लोग अभी कांदीवली में जन कल्याण सेंटर पे है ऑफिस में बैठ करके सब जगह से मंगा करके तो मैंने बहुत हम लोगों ने बहुत रिव्यू दिए लेकिन अभी ये सोचा कि कुछ आप लोगों तक एक नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो ये भूमि मार्ट सैंडविच एंड पिज्जा सेंटर का काफ़ी नाम सुना था कि इनके पास बहुत सी वेराइटीज़ हैं मतलब एक कहावत है ना कि एक दुकान सब सामान कि आपको नाश्ते से लेकर के स्वीट तक जो भी चाहिए सब यहाँ मिलते हैं तो आइए मिलते हैं सबसे पहले यहाँ के ऑनर यज्ञेश जी से ये हमारे ओनर हैं इतनी कम उम्र में जो कि उनके डैडी चलाते हैं लेकिन अभी डैडी थोड़े आराम पे है सही बात हर बच्चे का काम वही है पापा आराम करो बेटा आगे धंधा बढ़ाए यहाँ पे फेमस क्या क्या है यहाँ पे फेमस आप खा सकते हो चीज़ बस सैंडविच है पनीर ग्रिल सैंडविच है आपको चाहिए तो या फिर ओपन पनीर टोस्ट सैंडविच है नॉर्मली अभी जब इंट्रोड्यूस किया नया ऐसा नॉर्मली चीज़ बस देखे जाओ ना तो दिन में आपको 50 से 40 चीज़ बस तो हमारा जाता है तो जैसे आप देख रहे हो हमारे गोपाल भाई आज क्या बना रहे हो सर आज आप चीज़ बस सैंडविच देख रहे हो जैसे कि उन्होंने पाव निकाल के रखा है और चीज़ बस सैंडविच बना रहे देखते हैं क्या क्या डाला अब ये क्या डाला आपने पहले अमूल बटर ये क्या है ये गार्लिक पेस्ट है गार्लिक चटनी ओके पिज्जा पास्ता सॉस शेजवान सॉस शेजवान सॉस इतनी सारी सब इतनी चटनी लगती है इसमें यस ये आपने इनवाइट किया आपने ढूंढा है कि किसी और ने किसी और नहीं हमने ही ढूंढा है ओहो क्या बात है जैसे कि दर्शकों इनो की खुद की आइटम है इन्होंने खुद ने ढूंढा है इतनी सारी चटनियां जो लगाई है आपने तो मतलब इसकी खुद का ये सैंडविच है ऑनियन कैप्सिकम टोमेटो देखा भाइयों आपने ऑनियन कैप्सिकम सब डाल दिया और अभी इसमें क्या डालोगे आप टमाटर जैसे कभी ये टमाटर डाल रहा है थोड़ा सा सेजवन की चटनी डाला है थोड़ा अमूल बटर भी डाला है उन्होंने मसाला ये क्या रहता है मसाले में क्या रहता है चाट मसाला अमूल चीज लो अमूल चीज भर भर के भाई डाल रहे है ओहो अभी आपने मतलब हिला देने के सबको मिक्स करने का ओके कॉकटेल कर दिया उन्होंने सब चटनी और ये सब चीज़ें क्या बात है पूरा कलरफुल आप देख सकते हो कि मतलब कितनी सारी फ्लेवर आपको आज खाने को मिलेगा टेस्ट करने को मिलेगा हमको और ये 3 लेयर में बनता है एक अकेला आदमी खा ले तो मैं मान जाऊं अब ये देखो ओ हो मेयोनीज तो ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि मतलब नल में से इनके डेली आते रहते टाँकी भर के अब इन्होंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया पूरा 3 लेयर का पूरा मेगरोला चीज चिली फ्लेक्स ऑरिगिनो और बाप रे क्या बात है हरा धनिया ये आप देख सकते हो धनिया टोटली फ्रेश है इनका एकदम पूरा अब इसको आप ओवन में रखा है इन्होंने ओहो हो क्या बात है देखा आपने पूरा ये मतलब अच्छे से या एक आदमी तो खा नहीं सकता भाई लेकिन हम लोग टेस्ट जरूर करेंगे बहुत बढ़िया लग रहा है अभी वो कटिंग कर रहे हैं पीसेस में और फिर मैं और संतोष भाई खाएंगे सुपर और लो और ऊपर से वो चटनी मतलब अंदर तो उन्होंने डाली है साइड पे हमको सैंडविच के साथ चटनी अलग अलग टाइप की दे रहे हैं तो दोस्तों बहुत कलरफुल है बहुत अच्छा है मुंह में पानी आ रहा है एक छोटा सा पीस बिल्कुल ओहो आप देख सकते हो चीज़ देखो वो पूरा गरम है पूरा देखो जलाओगे गरम तो रहेगा ही ना सच्ची हाँ भयंकर गरम है चलो देखते हैं वाह शीतल भाई तबीयत खुश हो गई यार
मैं सैंडविच नहीं, ऐसा लग रहा है कि मलाई खा रहा हूँ। कितने सारे फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है हम लोग को, कितनी टाइप की उसने चटनियाँ डाली आपने गिना होगा। टेस्ट आ रहा है मतलब अमेजिंग। अभी हम लोग बेल चीज टोस्ट गोपाल भाई बनाएंगे और आपको दिखाएंगे उसकी रेसिपी भी, देख लो एक बार और फिर वो हम लोग टेस्ट करेंगे जो यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। चलो गोपाल भाई क्या क्या डालना है इसमें देखो, जैसे कि हरी मिर्ची, कैप्सिकम, ऑनियन, बीट रूट गुड, अमूल चीज अमूल बटर, ग्रीन पेस्ट गार्लिक चटनी भी डाला, सभी तरह की चटनी इसमें पड़ रही है। ये है पनीर, यस। आप देख सकते हो दर्शकों, देखो पनीर मतलब ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि मतलब खेती है पनीर की, और रेट वाइज भी बहुत मामूली है, बहुत सस्ता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई वो हाई रेट है, तो आम आदमी की आके भी खा सकते हैं। अब देखो जैसे कि उन्होंने पूरा सबको मिक्स करके सेक कर दिया, पूरा हिला दिया, मस्त कलर आ गया बीटरूट का। अभी जैसे कि वापस उन्होंने ब्रेड ली है, अमूल का बटर लगाया उसके ऊपर, ऊपर ग्रीन चटनी, तंदूरी मेयोनीज, बोलो तंदूरी मेयोनीज, ओके। ओ हो आपने तो पूरा भर दिया, वाह वाह पूरा, क्या बात है। ये क्या डाला आपने? सेव। इसको भी टोस्ट करना पड़ता है? या ऊपर और बटर, यहाँ पे उन्होंने रख दिया है ग्रिल मशीन में, क्या भैया ये टोस्ट होके कड़क होके बाहर आएगी हमारे मुंह में और हम बताएंगे कैसा है तो पता चलेगा। देखो मस्त टोस्ट हो रही है, अंदर सेक रही है मस्त, और हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। और बहुत मौके की जगह है यहाँ पे कांदिवली में, बहुत सारी पब्लिक आती है जाती है, लोगों को खाते हैं, और बहुत मतलब नॉर्मल प्राइस, आप रेगुलर खा सकते हो आके। चलो भाई ये तो भेल चीज टोस्ट सैंडविच नाम जो सुना था पहली बार, ये भी आपने बनाया गोपाल भाई खुद? यस। आपने इन्वेंट किया, आपने ही ढूंढा है, क्या बात है यार, आदमी को उठाना पड़ेगा क्योंकि खुद ही सब कुछ ढूंढता है, खुद ही सब कुछ मेहनत करता है। डिश में परोस रहे हमारे लिए, ये उसके ऊपर बटर लगाया उन्होंने और ऊपर चीज, तो मतलब मजा आ जाएगा। और अरे वाह शेफ क्या बात है, ये चीज भी पहली बार खा रहे हम लोग। यस सर। दर्शकों देख रहे हो जैसे कि नाम आपने पहली बार सुना है, मैंने भी सुना है पहली बार, बेल चीज टोस्ट सैंडविच। संतोष भाई प्लीज गरम गरम है, बहुत संभाल के। क्या बात है, चीज टोस्ट बेल सैंडविच टोस्ट किया हुआ, जबरदस्त। एक तो बड़ा कर लेके यार, इसके पहले जो खाया था वो तो था ही, आज ये जितना क्रिस्पी और उतना ही मजेदार, इतना मस्त हर फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है इसमें। बीट डाला हुआ है, मिर्ची डाला हुआ है, थोड़ा नमकीन भी है, थोड़ा टेस्टी भी है, थोड़ा तीखा भी लग रहा है, तो चीज तो भाई ने भर भर के डाला है, ऊपर से सेव डाला है। अभी लास्ट आइटम बची है थर्ड, उस पर हम लोग अटैक करेंगे। तभी हमारे गोपाल भाई क्या बनाने जा रहे हैं गोपाल भाई? पनीर टिक्का टोस्ट सैंडविच जैसे मैंने आपको बताया। चलो सर अभी उन्होंने टोमेटो काट लिया है, येलो शिमला मिर्च काट लिया है, ऑनियन जैसे डाला उन्होंने, चाट मसाला, सेजवान सॉस, चीज तो मतलब अभी क्या बोलूं आपको, चीज तो हर चीज में है दबा के है, ऊपर से धनिया थोड़ा सा। अभी वापस वो सेक करेंगे, तबली में हिलाएंगे मस्त। गोपाल भाई मुझे आगे की सैंडविच और ये सैंडविच सिमिलर लग रहा है, कुछ फर्क इसमें, उसमें बीट रूट था, इसमें बीट नहीं है। हाँ इसमें अलग है, डिफरेंट है। अच्छा डिफरेंट है दोनों। पिज्जा पास्ता सॉस इसमें पिज्जा पास्ता सॉस आ रहा है, गार्लिक पेस्ट भी है, गार्लिक पेस्ट भी है जो उसमें नहीं था, मतलब मेकिंग के साथ साथ टेस्ट में भी फर्क है। ये पनीर टोस्ट सैंडविच है इसलिए पनीर तो पूरा भर भर के डालेंगे। देखो इन्होंने स्पीसीज बहुत अच्छी तरह से किया है छोटे छोटे। अब ये क्या बात है,
और पनीर भी अच्छी क्वालिटी का, हाँ अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का है। चिली फ्लेक्स, ये क्या डाला? चिली फ्लेक्स, बराबर। पनीर टिक्का ओपन टोस्ट, पनीर टिक्का ओपन टोस्ट, मतलब ये ओपन ही रहेगा, इसके ऊपर कोई सैंडविच नहीं आएगी। अब ये सीधा कहाँ जाएगा? टोस्ट इसमें, यस ग्रिल में इसमें जाएगा। क्या बात है, ये ओपन है तो ओपन, इसका छपरा नहीं है भाई। यस ये देखो आपके सामने, अभी ये ओवन में रखेंगे टोस्ट देने के लिए, और हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद वो गरम गरम बाहर आएगी। गोपाल भाई, यस सर, सब चीजें हमने तो खाई, लास्ट खा रहे हम लोग। हमको अगर डिलीवरी करना है, आपने कुछ जोमेटो स्विगी से कांटेक्ट किया है कुछ? नहीं नहीं, जरूरत भी नहीं, क्योंकि अपने माल में इतना दम है कि जोमेटो स्विगी भी अपने को जरूरत ही नहीं। इतना कस्टमर आया था ना अपने पास कि देने को भी हम लोग कंटा लग जाते, पूरी दुनिया जोमेटो स्विगी के पीछे भाग रहे। आदमी जोमेटो मांगता ही नहीं, अपने जोमेटो मांगता ही नहीं है, खुद के दम पे जिंदा आदमी। अपने माल में दम है बाजीराव सिंघम, ऐसा माल में दम है बाजीराव सिंघम। अभी हम लोग खाएंगे ओपन टेस्ट, जिसका चपरा नहीं है। क्या बात है, ओ हो, टोस्ट ओपन, टोस्ट चीज सैंडविच रेडी है। वाह, मुंह में पानी आ रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी खाएंगे। और ओ लो, उसके ऊपर और एक गार्लिक टेस्ट, गार्लिक टेस्ट चटनी और सॉस, टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस, ये लो। अरे भगवान भला करे, चीज़ तो इनकी खेती है, मस्त मजा आ रही है, भर भर के। चलो चलो देखते हैं शीतल भाई, ये नीचे कर ले। सुपर, अरे भाई सुपर, सुपर से ऊपर। दर्शकों, चीज पनीर शिमला मिर्चा, क्या बात है यार, मतलब आज मुंबई में इतने सालों से सैंडविच खा रहे हैं, लेकिन सैंडविच में टेस्ट आज ही मिले। देखो खाने के टाइम पे बच्चे की तरह खा रहे हैं, मतलब लगा क्योंकि है ये भाई, ये ऐसा है कि मन कर रहा है पूरा दोनों हाथों से उठा के हपक ले भाई। ओपन चीज तो सैंडविच माइंड ब्लोइंग, तीनों सैंडविच अपने आप में बहुत अच्छी रही। हम लोग यहाँ के खुश है, लोगों को आना चाहिए, खाना चाहिए। वो भी मार्ट में हर तरह की चीज आपको मिलती है, वाह, डोसा से लेके स्वीट सब कुछ है, और आप होम डिलीवरी भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हम अपने विदाई लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए, हमें देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम इसी तरीके से आपको, अब बाहर निकल ही गए हैं तो मुंबई में घूम घूम करके आपको जगह जगह का टेस्ट और स्वाद बताते रहे। तो नमस्कार, नमस्कार, अगले वीडियो में।